विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। गढ़वा से दिनेश कुमार की रिपोर्ट। माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा जिला आगमन के क्रम में हुनरनाथ तोरण द्वार उद्घाटन तथा चार दीवारी एवं पथ निर्माण शिलान्यास के बाद आज दूसरे दिन माननीय मंत्री के द्वारा अनेकों शिलान्यास कर जिले वासियों को लाभान्वित करने की कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाया। बताते चले कि माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा आज जिला योजना अनाबद निधि योजना अंतर्गत चिनिया मुख्य पथ नहर चौक से सहिजना पिपरा खुर्द दानरो नदी छठ घाट तक पीसीसी पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास, जिला योजना अनाबद निधि योजना अंतर्गत जिला नियंत्रण कक्ष सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, जिला योजना अनाबद निधि योजना अंतर्गत गढ़वा जिला अंतर्गत अनुमंडल स्तरीय पुस्तकालय श्री कृष्ण अनुमंडलीय पुस्तकालय नगर परिषद गढ़वा भवन का सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। मौके पर माननीय मंत्री ने पुस्तकालय का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कुछ युवाओं के द्वारा माननीय मंत्री को पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराते हुए उन्हें पुस्तकालय में मंगवाने का आग्रह किया गया, जिस पर माननीय मंत्री ने हर संभव प्रयास करते हुए किताबों को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। आगे श्री ठाकुर के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया गया, जहां उन्होंने जिले वासियों से पौधारोपण कर हमारे गढ़वा जिले को हरा भरा बनाने व स्वास्थ्य वातावरण उपलब्ध कराने की अपील की। पौधारोपण के उपरांत माननीय मंत्री बालिका मध्य विद्यालय गढ़वा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला योजना अनाबद निधि योजना अंतर्गत बालिका मध्य विद्यालय गढ़वा के प्रांगण में 2 कमरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के अलावा मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त गढ़वा श्री सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, कार्यपालक अभियंता नगर परिषद गढ़वा, कार्यपालक अभियंता आरईओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी मिराल, जनप्रतिनिधि समेत अन्य उपस्थित थे।